मेरी बेगम सामने बैठी नहीं असल में, उन्हें बता रहा हूँ मैं, वो परेशान हो गए। परेशानी क्या बात है। और जनाब इसमें थोड़ा सा हमने ये हरी मिर्च डाली, धनिया, पुदीना, ऐसा मसाला कोई बना के आपको दिखाया तो फिर बात करते हैं। सादत भाई को चैलेंज है, महबूब भाई को भी। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, आप सब तो बड़े शेफ हैं। ये मसाला बन रहा है ज़बरदस्त तरीके से। बन गया जी। अच्छा जी, ये पूरी डाल ही देते हैं हरी मिर्च से, चार गोश्त, और अब ये गोश्त डाल दें। ठीक है जी, डल गया। अब इसको थोड़ा सा भून लें। हाय 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 हाय, क्या बात है। दिखने वालों को दिख रहा होगा अचार गोश्त बनता हुआ, माशाल्लाह। कमाल बन रहा है, कमाल, माशाल्लाह। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूं ताकि ये, पानी डाल दिया। पानी वैसे गरम डालना चाहिए, हम लोग अमूमन आदत में नहीं होता चूँकि। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो मैं बनाने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप लोग समझ जाएँ कि कुछ चीज़ें जब बहुत अच्छा कलर लाती हैं तो उसमें क्या तरीक़ेकार होते हैं। देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा मीज़ान ऑयल डाला और ये फ्राइंग पैन में भी गर्म हो रहा है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें मैं भूनूंगा। इसमें ज़ीरा भूनूंगा मैं, धनिया भूनूंगा, राई भूनूंगा, कलौंजी, वो भून के डालूंगा मैं इसमें, तो उसकी खुशबू कुछ और ही आएगी, ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा जी, इसमें एक चम्मच जब तक और चला रहे। वाह भाई वाह, क्या कहने, क्या बन रहा है और क्या बनने वाला है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सातों बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुना भाई, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है मेरी बहन। आमिर भाई, ये जरा बताइए कि ये राज की बात तो बताया आपने, ये कुकिंग के क्लासेस लिए क्या, ये अचानक इतना चेंज? नहीं नहीं, मेरे तो ये बहुत पैशन है जी, मैं तो बहुत बहुत अच्छे से कुकिंग शुकिंग करता हूँ। माशाल्लाह, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत, आपने इससे पहले प्रोग्राम नहीं देखे? नहीं यामिर भाई, लगातार देख रही हूँ लेकिन कॉल नहीं मिलती आपकी, तो मैंने कहा आज आपको कॉल लगी है, लकीली लग गई है, तो फिर ये कि आपकी तारीफ की जाए कि बहुत अच्छा खाना बनाया है, आपकी प्रेजेंटेशन में मुझे कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि आप कुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ। आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये आप देखिएगा भी, ये आप इस तरकीब पर अगर चलें और फिर बनाएं तो फिर आपको मज़ा आएगा और मज़ीद। कभी घर में ट्राई कीजिएगा आप, ये मैं इस पर अचार गोश्त बना रहा हूँ। हमारे यहाँ तो क्या है कि वो पैकेट के मसाले आ जाते हैं आजकल, और बस उसमें, अच्छा ये मैं साबित मिर्चें और ये कड़ी पत्ता इसमें है शामिल, ये दोनों डाल दिए चीज़ें, ठीक है, और ये हल्का सा इसको भून लें। ओहो, क्या ज़बरदस्त भूनने की खुशबू आ रही होगी यहाँ बैठने वालों को तो। अस्सलाम वालेकुम, आ गए, इसका मतलब लोग आना शुरू हो गए। कम अज़ कम आप लोगों को तो आ रही होगी खुशबू। चलिए, बुशरा आ रही है खुशबू? नहीं आ रही या नहीं आ रही, ये बता दो। सही, तो ये हल्का सा हमने इसको भून लिया। कड़ी पत्ता ज़रूर डालना है इसमें, इसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। कड़ी पत्ता, साबत मिर्चें, राई, और उसके साथ साथ क्या बात है। अभी हम ये डालेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा सा इसको हम एक और, वाह वाह। असल में गोश्त जो है बस उसका गलना उसके मामलात हैं, वो हम कर दें। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जब तक थोड़ा सा गोश्त गल जाए,
और मैं आपके सामने ये डाल देता हूँ। ठीक है जी, और ये डालने के बाद ये गोश्त भी गल रहा है, और मैं वक्फे में जाने से पहले ये हरी मिर्चें इस तरह से इस पर रख लीजिए, और अब हल्की आंच पे छोड़ दीजिए। सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गल जाएंगी, बन जाएंगी। ठीक है, एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।